हाय फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड पिज्ज़ा लॉलीपॉप रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने बारीक कुटा हुआ कीमा ले लिया हूँ। इसमें आधा टीस्पून में काली मिर्च पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। ये नमक है, ये ऑरेगानो, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ कुटी हुई चिल्ली फ्लेक्स में डाल चुकी हूँ। ये मैं एक टीस्पून डाल रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सारे चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो चुका है और इसको 10 मिनट तक मेरी नेट होने तक छोड़ देती हूँ। ये मेरा 10 मिनट हो चुका है, मेरी नेट करके रख लिया था। मैं यहाँ पे कढ़ाई ले लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इसी में मैं बारीक कट किया हुआ अदरक लहसुन है, हल्का ब्राउन होने तक इसे भून लेती हूँ। इसी में मैं डाल रही हूँ कट किया हुआ प्याज। इसे भी हल्का ही भूनना है। हल्का सा फरार हो चुका है ओनियन। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कट किया हुआ, बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च। इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ अच्छे से। थोड़ी देर भूनने के बाद इसे मैं डाल रही हूँ टमाटो, ये भी मैं बारीक चॉप कर लिया था। इसी में मैं डाल रही हूँ ये कीमा, क्योंकि मेरी नेट कर कर मैं रख लिया था पहले से। इसे भी 8 से 10 मिनट तक आपको इसे पका लेना है अच्छे से। मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट में मेयोनेज़ है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून टमाटो केचप है। सात से आठ मिनट तक इसे पका लेना है अच्छे से। 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ।
देखिए ये स्टफिंग मेरा तैयार है, मैं एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा, इसी में डाले मैं काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक, इसका गाढ़ा सा घोल बना लेती हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर चुकी हूँ और इसमें से 3-4 चम्मच मैं इसे निकाल लेती हूँ। आगे काम आएगा इसका और इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डाल के पतला कर लेती हूँ सेलरी को इस तरह से। यहाँ पे मैं ब्रेड ले ली हूँ, छोटे साइज का मैं ब्रेड ले लिया हूँ, इसे साइडों को निकाल लेना है। इसी तरह से आपको सारे साइड निकाल लेना है कट करके। मैंने यहाँ एक ब्रेड ले लिया हूँ और ये आइसक्रीम की डंडी है, तो ये मैं बचा के रखा था जो गाढ़ा गोल, इस पर लगा देना है इस तरह से और इसे इस तरह से कर देना है। ये निकलते हैं, सड़ जाते हैं आराम से। और इसी पे आपको ये स्टफिंग डाल देना है। और ये मैं चीज़ की स्लाइस में इसमें रख रही हूँ, 4 भाग में इसे कट कर दिया था, जितना आ रहा था उतना मैं कट के रख लिया था। और इसी पे आपको ये स्टफिंग थोड़ा थोड़ा करके साइडों में दे देना है। और इस पे भी, इस ब्रेड में भी इसी तरह से दे देना है। इस तरह से कवर करना देना, कर देना आसानी से, सड़ जाते खुलते भी नहीं हैं। इसी तरह से दूसरा पीस भी बना लेना है आपको। दूसरा पीस में उसी भी तरह भी आपको बना लेना है। इसे भी इसी तरह से आपको फोल्ड कर देना है। दो पीस तैयार है मेरा, ये सारे मेरे बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सिलरी में डुबा लेती हूँ इस तरह से और ब्रेड क्रम में इसे कोट कर देती हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपको सारे बना लेना है। देखिए ब्रेड क्रम में कोट कर लेना है सिलरी में डुबा के। देखिए मैं ब्रेड पिज्जा लॉलीपॉप में बना के रेडी कर चुकी हूँ, तो चलिए इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ मैं
लेती हूँ। देखिए एक तरफ मेरा फ्राई हो चुका है, अच्छे से इसको पलट देती हूँ मैं। तीसरा पीस भी मैं उसमें डाल चुकी हूँ, इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। अच्छे से फ्राई हो चुका है मेरा गोल्डन ब्राउन दोनों साइड से, इसे मैं निकाल लेती हूँ। सारे मैं फ्राई करके निकाल चुकी हूँ टिश्यू पेपर पे। ये एक प्लेट में मैं निकाल चुकी हूँ ब्रेड पिज्जा लॉलीपॉप, मेरा बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ।